खुशी के लिए ही फोन किया है मैंने आपको। खुशी के लिए? आप खुशी को कैसे जानते हैं? न्यूज़ पे देखा मैंने। दया भाभी, मैं सोच रही थी क्या मैं खुशी से मिल सकती हूँ और इसी बहाने आप लोगों से भी मिलना हो जाएगा। अरे इसमें प्लेज क्या? आइए जरूर आइए, मैं अभी खुशी के मम्मी को फोन करके यहाँ सोसाइटी में बुला लेती हूँ, इस बहाने हम भी खुशी को मिल लेंगे। थैंक यू सो मच दया भाभी, मैं अभी गोकुलधाम पहुँचती हूँ। ओके बाय। अरे दया भाभी, क्लब हाउस सज गया है एकदम टकाटक। कल आए तब तक मैं फटाके लगा के रखता हूँ। यस यस, अब बात है। पर अभी तक दीपिका जी या खुशी में से कोई आए क्यों नहीं? अरे हाँ दया भाभी, कहीं आपने हमारे साथ मजाक तो नहीं किया ना कि दीपिका जी आने वाले हैं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, मजाक नहीं है। दीपिका बहन ने सच में बोला था कि वो सच हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में आ रहे हैं। अरे दीपिका जी आ गई, दीपिका जी आ गई। दीपिका जी कोई गेटअप करके आई है क्या? एकदम अलग लग रही है। देखो एक्ट्रेस है ना, कब कौन से गेटअप में आ जाए कुछ कह नहीं सकती। राइट राइट। आइए 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 आइए। इतने बड़े हो गए फिर भी बगैर दिवाली के फटाके फोड़ते हो। सॉरी सॉरी, गलती हो गई। क्या आप बता सकते हो वो सुमित्रा बहन किधर रहती है? सुमित्रा बहन ना, ये यहाँ सीधे बी विंग सेकंड फ्लोर। आंटी जी आइए आइए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। हाय हाय, ये दीपिका जी गेटअप में नहीं थी, खरेखर कोई आंटी थी। अरे वो बेचारे आंटी डर भी गए और हमारे फटाके भी फूट गए। हाँ तो झिली भाभी चिंता मत कीजिए, फटाके और भी है। अरे वाह, जैसे ही दीपिका जी आएगी फटाके फिर से फोड़ दूंगा। अरे वाह वाह, अब्दुल भाई कहना पड़ेगा आपका काम मतलब वाह। लेकिन दीपिका जी है कहाँ? हाँ वही तो, शायद कहीं ट्रैफिक में फंस गई होंगी है ना। आज धूप कितनी है, वो गर्मी छ ना। आई नो। एक काम कीजिए, आप लोग क्लब हाउस में जाइए, जैसे ही दीपिका जी आ जाएगी मैं उनको क्लब हाउस में लेके आ जाऊंगा। बराबर कहा। हाँ दैट्स बेटर ना। अब्दुल भाई जैसे वो आए ना मुझे फोन कर देना। जरूर। ओके चलो चलो। ओह गॉड, कब आएंगे? क्या जल्दी चलाना। पर अब तक तो आ जाना चाहिए था उनको। हाँ। पर क्या है ना, उनकी मूवी आ रही है ना, तो शायद उसके प्रमोशंस में वो बिजी होंगे। अरे गाड़ी आ गई। अरे दीपिका जी आ गई।
गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव महिला मंडल की ओर से आपका दिल से हार्दिक स्वागत है। भाभी, खुशी और खुशी की मम्मी आते ही मैं उनको ऊपर लेकर आता हूँ। दीपिका जी, अगर आपने कहा होता तो हम खुशी को लेकर आपके पास आ जाते। वैसे आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए थैंक यू सो मच। आपका थैंक यू बिल्कुल नहीं लूंगी, नहीं चाहिए आप लोगों का थैंक यू। क्यों? क्यों दीपिका बहन? अरे क्योंकि थैंक यू मैं आपसे कहने आई हूँ। आप हमें थैंक यू क्यों? हाँ, हमने ऐसा क्या किया है? कि आप लोगों ने जो किया है वो सभी ने टीवी पे देखा है और मैंने भी, और उसी के लिए आप सबको थैंक यू कहने आई। अरे आपने इतनी प्यारी बच्ची की जान बचाई, उसके परिवार वालों को बेटियों को प्यार करना सिखाया, ये सब करके आपने सारे देश में एक मिसाल कायम की है, इसलिए हैट्स ऑफ टू यॉल। थैंक यू। मेरी और पूरे देश की तरफ से थैंक यू। दीपिका बहन, इसमें थैंक यू क्या? हमने तो हमारा फर्ज निभाया है। दया भाभी, आपने फर्ज निभाने के साथ साथ फर्ज निभाना भी सिखाया है, और ये बहुत बड़ी बात है। मैं भी एक बेटी हूँ और मेरे पापा को मुझ पर बहुत गर्व है, एंड आई विश कि हमारे देश का हर एक पिता अपनी बेटी पर गर्व करे। सो थैंक यू वंस अगेन। आप इतना कह रहे हैं तो आपको प्यार और थैंक यू हम ले लेते हैं। हाँ, और हम सब की ओर से भी आपको बहुत बहुत थैंक यू। आप जैसे स्टार का थैंक यू हमें रोज रोज थोड़ी मिलेगा। अरे स्टार तो हमारी खुशी है। ये तो एकदम सच्ची बात की दिया दीपिका जी। पर हमारी स्टार है कहाँ? मैं उसके लिए कुछ लेके आई हूँ। हाँ, स्वीट। वो मैंने खुशी की मम्मी को फोन कर दिया है, वो बस अभी आते ही होंगे। भाभी, खुशी आ गई। अरे साल साल जिएगी हमारी खुशी पे भी। ना भी और आ गई। So क्यूट। एक मिनट, आप तो खुशी के साथ खेल चुके हैं ना? लाओ मुझे दो, पकड़िए। Hi, little angel. Yes, yes, she is. मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। दया भाभी। अरे वाह, कितना प्यारा तोहफा लेके आई। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? पहली बार खुशी को मिलने आ रही हूँ, खाली हाथ थोड़ी आऊंगी। लीजिए। आपकी बेटी बहुत प्यारी है। आपका पानी। अरे एक बात बताना भूल गई। क्या? 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 मेरी नई फिल्म आ रही है। Of course I know, जो 8 मई को रिलीज हो रही, right? उसमें एक बेटी का रोल प्ले कर रही हूँ, मेरा नाम है पीकू। दया भाभी, पिंकू नहीं, पीकू। पीकू। और फिल्म में मैं एक बहुत जिम्मेदार बेटी हूँ, जो एक आर्किटेक्ट है, खुद का बिजनेस है और एक बहुत जिम्मेदार बेटी है, और साथ में अपने पापा का पूरा ख्याल भी रखती है। अरे वाह, सुवाच्य। दीपिका बहन, आप जो भी रोल करते हैं ना, एकदम दिल से करते हैं। आप एकदम उसमें अंदर चले जाते हैं। पीकू में मेरा रोल बिल्कुल ही अलग है। ये एक बहुत ही मजेदार फिल्म है, और इसमें बाप और बेटी के खट्टे मीठे रिश्ते की बात। आप लोग तो फिल्म देखेंगे, पर मेरी प्रॉब्लम दूर कौन करेगा? आपकी प्रॉब्लम? कौन सी प्रॉब्लम है? मेरी यानी पीकू की प्रॉब्लम ये है कि मेरे पापा भास्कर बैनर्जी को ऐसा लगता है कि हमेशा वो कोई ना कोई बीमारी के शिकार है, जबकि होता कुछ भी नहीं है।
पता है इसी चक्कर में वो हमारे घर में बगैर नमक का खाना बनवाते हैं। बिना नमक? हाय हाय। बगैर नमक का मतलब नमक कम खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, पर बिल्कुल नहीं खाना, बाप रे बाप। हाँ, टप्पू के पापा तो बिना नमक का खाना खा ही नहीं सकते। हाँ, हम भी नहीं ना? कोई भी नहीं। मैं तो परेशान हो गई, समझ में नहीं आता क्या करूं। दीपिका जी, आपको जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। खाने की हर समस्या का इलाज दया भाभी के पास होता है। हाँ, क्योंकि दया भाभी हमारी सोसाइटी की मास्टर शेफ है। यस, मास्टर शेफ। बबीता जी, आप अच्छा, दीपिका बहन आप ये बताइए, भास्कर काका को खाने में कौन सी चीज पसंद है? केले के अलावा कुछ खाते ही नहीं है। केले? हाँ, देखो अब क्या करूँ। दीपिका बहन आप चिंता मत कीजिए, इसका भी उपाय है। प्लीज जल्दी बताइए क्या उपाय है। दीपिका बहन, आप भास्कर काका को मेथी और केले की मिक्स सब्जी बनाकर खिलाइए। क्या है, मेथी की हल्की सी कड़वाहट और केले की मिठास के मिश्रण से जो सब्जी बनेगी ना, वो खाकर भास्कर काका इतने खुश हो जाएंगे ना कि बात ही मत पूछो। दया भाभी, बेस्ट आइडिया। और दूसरी सब्जी भी आप खिला सकते हैं, भिंडी के साथ केले का मिश्रण करके आप सब्जी खिलाइए, फिर टिंडली के साथ केले का मिश्रण करके आप सब्जी खिलाइए, और धीरे धीरे आप केले का प्रमाण कम करते जाइए और सब्जी का प्रमाण बढ़ाते जाइए, फिर देखना भास्कर काका केले के स्वाद को भूल ही जाएंगे और सब्जी खाते रहेंगे। बहुत आइडिया। ये सब रेसिपी मुझे दीजिए ना। हाँ हाँ, मैं अभी आपको कागज में लिख के देती हूँ। नहीं, कागज पे नहीं, मैं रिकॉर्ड करूंगी ना फोन पे। बराबर हूँ ना, साड़ी बदल के आऊँ। सुपर्ब लग रही है आप। अरे आपके फन में रहना है। रेडी? हाँ रेडी। तो सबसे पहले जो कढ़ाई होती है ना, आपको पता नहीं मेरी कितनी बड़ी मुश्किल आपने दूर कर दी। घर जाके ये सब रेसिपीज बाबा को जरूर खिलाऊंगी। हाँ हाँ, आप देखना भास्कर काका को सब्जी बहुत पसंद आएगी और वो एकदम खुश हो जाएंगे। बाबा तो जरूर खुश हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल बताइए कि खुशी किस बात से खुश होती है? खुशी हमारी खुशी को ना गरबा बहुत पसंद है। फिर तो गरबा होना ही चाहिए। देखो खुशी के लिए गरबा हो जाए। हाँ, रेडी है। बोलो श्री अम्बे, मां दुर्गी। मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। सारा काम पड़ा है, कहां से शुरुआत करूं? इलेक्ट्रिक बिल भरना है, प्रॉपर्टी टैक्स का बिल भरना है, ऊपर से कई लोगों के मेंटेनेंस के चेक आने बाकी है, वो भी भरने हैं। एक अकेले आदमी पे काम का इतना सारा बोझ। अरे कोई दूसरा सेक्रेटरी होता ना तो अब तक इस्तीफा दे चुका होता। कोणाला सांगतोय मी हे, और कोई काम भूल रहा हूं? क्या भूल रहा हूं? वाह 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 वाह, क्या चाय की मस्त खुशबू आ रही है। सोनू भी माधु जैसी चाय बनाती है। थोड़ी मस्ती करता हूँ। सोनू, चाय रेडी है? हाँ बाबा, आई। हाँ।
ये रहा। जल्दी टेस्ट करके बताओ कैसी है। बता दो। ठीक है सोनू, लेकिन इस चाय में तुम्हारी आई वाली बात नहीं है। नहीं? हाँ। मत पीजिए तो फिर रहने दो। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सोनू, तुमने इतने मेहनत से चाय बनाई है तो पी लूंगा मैं। नहीं नहीं बाबा, आप ही कहते हो ना, परफेक्शन इज परफेक्शन, नो कॉम्प्रोमाइज। तीन चार दिन बाद जब आई आएगी ना तो उनके हाथ की परफेक्ट चाय पी लेना। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं बाबा, मैं मजाक कर रहा हूँ सोनू। अप्रतिम चहा झालेला आहे। थँक यू। क्या चाय की खुशबू आ रही है। मादी भाभी आ गई क्या? नहीं नहीं, ये चाय तो मेरी बेटी सोनू ने बनाई है। ओहो, लो तुम भी पी लो। सोनू, इस चाय के लिए तुझे फुल मार्क्स। थैंक यू। और बाबा आप मुझे कितने मार्क्स दोगे? तुम्हें इस चाय के लिए 10 में से 5 मार्क्स। क्यों? क्योंकि मैंने आधी चाय पी है ना। तो बाबा आपको और कुछ चाहिए? नहीं बेटा, और कुछ नहीं चाहिए। तुम जाओ खेलने जाओ, तुम्हारा तो वेकेशन है, जाओ जाओ खेलो खेलो। ओके बाय 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 बाबा बाय अब्दुल्ला बाय। बेटे भाई, हाँ आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। आपने नोट किया, अपने सोसाइटी में दोपहर को 3 से 4 के बीच में अजीब सी घटना घट रही है। अजीब घटना मतलब? हमारी सोसाइटी में से हिंदी, गुजराती, मराठी, इंग्लिश, तमिल सब गायब हो रहे हैं। कहते अब्दुल, इतने सारे लोग सोसाइटी में से एक साथ कैसे गायब हो सकते हैं? भिड़े भाई, लोग नहीं, न्यूज़पेपर है, इन सब भाषाओं के न्यूज़पेपर गायब हो रहे हैं। ये कौन सांगनार, तुम्हें पक्का यकीन है? हाँ हाँ, आपको तो पता है कि मैं सोसाइटी में आता जाता रहता हूँ। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि पेपर स्टैंड पे 3 बजे तक पेपर रहते हैं और 4 बजे गायब। परसों 3:10 को देखा तो पेपर स्टैंड पे पेपर थे, 3:50 को गायब। कल भी 3:15 को देखा तो सारे पेपर थे, 3:45 को सारे पेपर गायब। यानी ये पक्का है कि पेपर 3 से 4 के बीच में गायब हो रहे हैं। अब्दुल, इसे गायब होना नहीं कहते, इसे चोरी कहते हैं। जरूर कोई पेपर चोरी कर रहा है, लेकिन सोसाइटी में पेपर कौन चोरी करेगा? इसीलिए तो यहाँ पर आया हूँ। अभी टाइम कितना हुआ है? 3 बज गए। हाँ, मैंने भी आते हुए देखा, पेपर स्टैंड में है। अच्छा, मतलब 4 बजे के पहले पेपर गायब हो सकते हैं। ठीक है अब्दुल, अभी दोनों कंपाउंड में चलते हैं और आज इस चोर को रंगे हाथों पकड़ते हैं। चलो चलो। यस सर। मित्रों, देखा हमारे खुशी के पावर को, कि सुपरस्टार दीपिका पादुकोण भी उनसे मिलने आ पहुंची। भाई हर बेटी के पास ऐसा चुंबकीय पावर होता ही है कि वो हंसी, खुशी, सुख, समृद्धि सबको अपनी ओर खींच लेती है, परिवार में ले आती है। इसलिए हमें बेटियों का सम्मान करना चाहिए, बेटियों को बचाना चाहिए, बेटियों को पढ़ाना चाहिए। खैर साहब, ये तो बात हुई खुशी की, लेकिन गोकुलधाम में एक नया पंगा शुरू हो गया। यहाँ पे न्यूज़पेपर्स चुराए जा रहे हैं, अखबार चुराए जा रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि ये तो बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन गोकुलधाम में जो कुछ होता है वो इतना छोटा होता नहीं है। जैसे पहाड़ दूर से बड़े छोटे नजर आते हैं, जब आप पास जाते हैं तो बड़े दिखते हैं। ठीक वैसे यहाँ के पंगे कब बड़े हंगामों में तब्दील हो जाएं, ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। खैर, जितने बड़े हंगामे होंगे उतने बड़े ठाके होंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ, देखते रहिए हंसते रहिए। आई आई बेटी बेटी, देखिए क्या हुआ बोल। चाचा जी, रोज दोपहर को 3 से 4 बजे के बीच में हमारे पेपर स्टैंड में से कोई पेपर चुराता है। हाँ, हम लोग उसको रंगे हाथ पकड़ना चाहते हैं, इसलिए छुप कर बैठे हैं। यहाँ से दिख जाएंगे। नहीं नहीं चाचा जी, यहाँ पे दिख जाएंगे हम लोग। चाचा जी वहां से आप दिख सकते हैं। मिल गया ना, शाबाश। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।